कुल जनसंख्या और वृद्धि दर। जनगणना की मदद से हम यह जान पाते हैं कि किसी देश, राज्य, जिले, गांव या शहर में कुल कितने लोग रहते हैं। घर घर जाकर पता करने के कारण जनगणना का यह आंकड़ा सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके अनुसार भारत में कुल 1,21,01,93,422 यानी 121 करोड़ और 2 लाख लोग थे। 2001 में भारत में 102 करोड़ और 87 लाख लोग थे। इस प्रकार हमारे देश की आबादी पिछले 10 वर्षों में 17.64% बढ़ी है। इसे हम जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। पृथ्वी की कुल आबादी का 17.5% भारत में रहता है। भारत से भी अधिक जनसंख्या वाला देश केवल चीन है, जहां विश्व की आबादी का 20% रहता है। 2011 में छत्तीसगढ़ की आबादी 2,55,40,196 यानी 2,55,00,000 से अधिक थी, जो कि देश की कुल जनसंख्या का केवल 2% है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की 10 सालाना वृद्धि दर लगभग 22.6% है। भारत के कुल कितने प्रतिशत लोग शहरों में और गांवों में रहते हैं, यह भी जनगणना से पता चलता है। भारत आज भी ग्रामीणों का देश है, जहां लगभग 69% लोग गांवों में रहते हैं और केवल 31% लोग शहरों में रहते हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ, तब हमारे देश के केवल 17% लोग शहरों में रहते थे। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 60 सालों में भारत में शहरीकरण कितना बढ़ा है। छत्तीसगढ़ की आबादी का कितना हिस्सा शहरों में रहता है। हमारे राज्य के लगभग 23% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 2001 में 20% लोग ही शहरों में रहते थे। जनगणना का इतिहास। आधुनिक काल में प्रथम जनगणना का उल्लेख स्वीडन 1749 ईस्वी में मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियमित रूप से जनगणना 1790 से शुरू की गई और उसके 80 वर्ष बाद हमारे देश भारत में 1872 में। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश हमसे करीब 71 वर्ष पहले ही नियमित जनगणना का काम शुरू कर चुके थे। भारत सरकार ने सिद्धांत रूप में 1865 में जनगणना की स्वीकृति दी। उसी वर्ष जनगणना प्रश्नावली तैयार की गई। 1872 में पहली बार जनगणना की गई, पर इसे पूर्णता के साथ लागू नहीं किया जा सका था। उसके 9 साल बाद 1881 में पहली बार जनगणना प्रक्रिया को पूर्णता के साथ लागू किया गया। भारत में सबसे नवीन जनगणना 2011 में की गई है, जिसके अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 1210.19 लाख थी।